हेलो प्यारे दोस्तों वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग कैसे हो आप सब एंड आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ थोड़ी सी नाइट प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ नेक्स्ट डे के लिए वहाँ से मैं स्टार्टिंग की हूँ तो संडे जो होता है बहुत ही रिलैक्सिंग डे होता है बट जैसे ही रात होती है नेक्स्ट डे के लिए अब भागा दौड़ वाली प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है क्योंकि मंडे मॉर्निंग बहुत ही हासिल होता है तो संडे को मैं क्या करती हूँ ना प्रीवियस नाइट को ही ना मैंने नेक्स्ट डे के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन कर लेती हूँ जैसे आटा लगा लेती हूँ कुछ सब्जी बनाना होता है तो वो सब बना लेती हूँ तो रात को डिनर के बाद ना मैं थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके रखी हूँ जिसमें मेरे पास स्पिनिच की प्यूरी थी तो वो आटा में डाल के गूँध ली हूँ और आलू परवल की सूखी वाली सब्जी बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही सिंपल और हेल्दी भी होता है ज़्यादा मसाले भी नहीं लगते हैं और मैं डेली जूस बनाती हूँ तो सारे ऑरेंज़ के छिलके निकाल के और इसको ना इस तरह से रख देती हूँ ताकि ना ये फ्रेश रहे सुबह तक सुबह में जूस निकाल लेंगे और रात को मैं ये डिनर में बनाई थी लिट्टी एंड चोखा तो हम लोग वही खाए थे और वो सब करने के बाद मैं सीधा पढ़ने चली गई थी और ये है नेक्स्ट डे एंड गुड मॉर्निंग आप सबको फ्रेंड और बाहर में निकल गई हूँ और स्प्रिंकलर पूरा घास में पानी डाल रहा है बहुत ही अच्छा लगता है इसके साउंड भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे स्प्रिंकलर के और यहाँ पे देखिए चांद तारे एक 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 साथ है बहुत ही अच्छे लग रहे हैं एक बार बाहर में आ जाती हूँ ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और चलते हैं किचन में और मॉर्निंग रूटीन शुरू करते हैं सुबह में बहुत सारे काम होते हैं तो उनको स्टार्ट करते हैं हाय एवरीवन गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब एंड आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और है आज अक्टूबर सेकेंड और अभी बज रहा है साढ़े छः बज रहा है आप तो तो देखिए और उठते उठते थोड़ा सा फ्रेशन होते हुए टाइम लग ही जाता है मैं उठती हूँ छः बजे आजकल और रात को लेट सोना होता है इसलिए और आज कॉलेज भी जाना है ऑफिस है स्कूल है सब कुछ है वैसे ही तो जल्दी जल्दी से सारा काम करते हैं और लंच बॉक्स ये सब बनाते हैं और रात को बहुत सारा काम करके मैं रखी हूँ तो बस सुबह में उतना कुछ हड़बड़ी नहीं है जस्ट जल्दी जल्दी से रोटी बनाऊँगी और पैक करूँगी तो रात को सारा काम कर ली हूँ सब्जी बना ली हूँ आटा गूँध के रखती हूँ तो यही सब काम होता है और संडे रहता है तो आसान रहता है प्रीवियस नाइट को कुछ भी करने के लिए और मंडे तो हैक्टिक होता है इसलिए संडे को मैं चाहती हूँ आधा काम करके रखूँ तो इसलिए सब्जी ऐसा बना ली हूँ तो चलिए चलते हैं बाकी के काम करते हैं और देखते हैं क्या क्या करते हैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाती हूँ और ऐसे तो हम भी सुबह सुबह खाती नहीं है मैं भी खाती नहीं हूँ हस्बैंड को सिर्फ योगर्ट्स एंड फ्रूट चाहिए होता है तो इसलिए आजकल ब्रेकफास्ट का को अपना कोई ये नहीं होता है तो चलिए चलते हैं और जल्दी जल्दी से करते हैं सुबह के काम फिर हाँ, फ्रेश होकर पूजा वूजा भी करना है तो चलिए कल मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्लांट्स ये सबको ठीक की हूँ तो अभी अच्छा लग रहा है और इधर भी बैठने का मैंने ठीक किया है और अभी सुबह सुबह बहुत ही सुबह है बहुत ही कम लोग यके हुए हैं तो मैं बाहर से भी आ गई हूँ बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे सुबह न थोड़ी देर पाँच मिनट भी बाहर बैठने में तो अंदर आते एक के साथ ही एम का जो बैग पैक है रेडी कर देते हैं इसमें इसका एजेंडा होता है लैपटॉप में चार्ज में लगा के रखती हूँ तो इन सबको मैं रख देती हूँ उसके उसके जगह पर और आज उसका योगा क्लास है तो उसे योगा मैट भी लेके जाना होगा तो उसके लिए हम लोग नया वाला योगा मैट ले आए हैं और पुराना वाला जो था उसका उसमें पता नहीं कुछ था उसको रिटर्न कर दिया और नया वाला दूसरा अच्छा लेके हैं तो वो, वो योगा के लिए उसको लेके जाना है ये योगा मैट और उसके जो लैपटॉप ये सब है उस उन सब को भी मैं उसके बैग में रख देती हूँ क्योंकि वो खुद से लेट सन, मतलब उठाने जाओ तो जल्दी उठती नहीं है अगर सुबह सुबह कुछ हड़बड़ी होता है ना तो छूट जाता है इसलिए उसका काम करके रख दो बच्चे का तो अच्छा होता है और मैं तो अपना बैग रात को ही रेडी करके रखती हूँ कुछ कुछ चीज़ें फिर भी मुझे भी लगता है पानी का बॉटल हो गया फिर जाके हमारे वॉलेट हो गए इन सब को मुझे चेक करना होता है क्योंकि वॉलेट हो गया ड्राइविंग लाइसेंस ये सब सारा कुछ उसी में होता है स्टूडेंट आईडी ये सब और उसके साथ चलते हैं सीधा फ्रिज से निकालते हैं जो भी मेरे मिल प्रेप किए हुए हैं और उन सबको निकालते हैं और जल्दी जल्दी से बना लेते हैं क्योंकि मैं जूस बना के पहले रख लूँगी और जो भी फ्रूट्स हैं उन सबको निकाल लेते हैं फ्रिज से और जल्दी से मैंने एक बार ना ग्राइंडर में ना एक बार मैं इसको घुमा दी हूँ और जूस को इस तरह कर दी हूँ छनने के लिए छोड़ दी हूँ और एक गिलास पानी लेके मैं बैठ गई हूँ पीने के लिए तो पानी पीते हैं दी सैटरडे संडे घर के बहुत सारे काम नहीं हो पाए क्योंकि मिड टर्म आने वाला सभी सभी क्लासेस के एक तो एग्जाम मैंने दे दिया जावा का धाम और अभी स्टार्ट का एग्जाम आने वाला है बाकी और भी क्लासेस के सारे के एग्ज़ाम आने वाले हैं क्योंकि इस अक्टूबर में तो सैटरडे संडे हम लोग लाइब्रेरी में ही जाके पूरा दिन पढ़ाई किए क्योंकि घर में रहती हूँ ना, और हम लोग का आदत है घर में रहने पे जो भी काम होता है ना वही काम फिनिश करने में लग जाते हैं तो इसलिए वो लाइब्रेरी गए कि दिस वीक मैं पूरा पढ़ाई करती हूँ सैटरडे संडे को भी और बाकी के घर के बहुत सारे काम है जो नहीं हुए हैं तो फ्लोर भी बहुत गंदा है फ्लोर क्लीन करना है बहुत सारी लॉन्ड्री करके फोल्ड करना है वो भी पाइल अप है उसको भी करना है तो आज कॉलेज से आने के बाद वो सब बाकी के काम करते हैं क्योंकि तो पढ़ाई तो ऑलमोस्ट सॉरी बहुत हो गई है जो नहीं हुई है वो तो होता ही रहेगा बट लेकिन मैं आपको फ्लोर दिखाती हूँ बहुत ही ज़्यादा गंदा है ये सब मुझे क्लीन करना है बहुत ही ज़्यादा गंदा है फ्लोर और सभी जगह कुछ ना कुछ फैला हुआ है तो इन सब को भी मुझे क्लीन करना है तो कॉलेज से आते आते कम से कम साढ़े चार तो बज ही जाएगा और आम भी कहा योगा क्लास हुई है तो उसे पिक करने का उतना जल्दी नहीं है फाइव थर्टी को उसको पिक करना है तो आराम से आके देखते हैं जो जो काम होता है वो सब करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे और आज कल ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ क्योंकि बहुत सारे क्लासेस है बहुत ही सारे एग्जाम आने वाले हैं आ रहे हैं और असाइनमेंट्स इतनी सारी है ना कि मेरा कुछ ना कुछ छूट ही जाता है और पांच कोर्स बहुत ही ज़्यादा टफ है एज ए फुल टाइम स्टूडेंट पांच कोर्स आप कर सकते हो बट लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा काम नहीं हो मेरे पास तो घर के भी बहुत सारे काम होते हैं इसकी वजह से बट बाटा दरवाइज लेस देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है थोड़ा थोड़ा सुबह उठ के ना मैं थोड़ा सा ये करती हूँ कि पूरा दिन कैसे मैनेज करना है क्या क्या करना है तो वो सब मैं पानी पीते पीते सोच रही थी कि क्या क्या आज करना है तो चलिए जल्दी से सारा कुछ मेरा हो गया है प्लान और करते हैं और भी जो भी काम सब वो सब कर लेते हैं जल्दी से लंच पैक कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से छोड़ के चले जाओ ना थोड़ी देर के लिए तो इसका सारा जूस है ना अपने आप निकल जाता है और बहुत ही अच्छा होता है घर का हेल्दी हेल्दी जूस होता है शुगर नहीं होता है विटामिन सी होता है और जैसा कि मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ विटामिन सी होता है सभी को पता है और बट लेकिन अच्छा होता है घर का जूस अगर छोटा भी बॉटल हो दो ऑन्ज हो तो भी अच्छा होता है और बच्चे के लिए तो बहुत ही अच्छा है जो इंस्टेड ऑफ द कैफ़ेटेरिया से वो ख़रीद के पिए उससे अच्छा है कि घर से बना के दो और मीठा ऑरेंज खरीदो तो मीठा जूस होता है और उसके साथ साथ ही मेरा सब्जी तो बना ही हुआ है और मैं यहाँ पर स्पिनच वाली चपाती बना रही हूँ तो ये वाली चपाती ना बहुत सॉफ्ट बनते हैं स्पिनच की प्यूरी डाल दो थोड़ा सा इसमें अजवाइन डाल दो या सॉल्ट डाल दो और फिर घी डाल दो बहुत ही अच्छे बनते हैं आप इसमें थोड़ा सा घी लगा लो और ये पराठे बन जाएंगे मैं तो यहाँ रोटी बना रही हूँ क्योंकि मुझे और हस्बैंड को रोटी ही ज़्यादा पसंद है तो रोटी बना लेते हैं हम दोनों के लिए और आम भी के लिए मैं बनाऊंगी पराठे वो भी दूसरे तरीके से क्योंकि स्पिनच वाली रोटी देख के वो बहुत ही नखरा करती है और दूसरा वो आलू परवल या कुछ की भी सब्ज़ी दोनों तो वो खाती नहीं है क्योंकि सब्जियों को ना उसके हाथ से लगा के वो निकाल के उसको तोड़ के खाने में पता नहीं क्या लगता है बट मैं उसके पराठे जैसा उस उसके लिए मैं बनाऊँगी बहुत ही अलग तरीके से तरीके से क्योंकि यहाँ पर मैंने एक मोटा सा लोई लिया उसका मैंने मोटा पराठा बेल लिया अब जो मैं सब्ज़ी बनाई थी ना इसके लिए मैं आलू डाली हूँ सारे आलू को निकाल लूँगी और इन सारे आलू को निकाल के इसमें मैश कर दूँगी क्योंकि इसमें मसाले हैं ना तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आएंगे पराठे में और इसमें मैं इसमें डाल रही हूँ चीज़ अच्छी तरह से और इसको ना हम मैं ट्राइंगल पराठा का शेप में बेल दूंगी और पता भी नहीं चलेगा कि स्पिनच के स्पिनच के चपाती है या पराठा है क्योंकि ये पराठा सीखने के बाद रेडेट हो जाता है तो बच्चों को बिल्कुल नहीं पता चलता और इस तरह से आपका फुल आ, अच्छा सा चपाती हो गया अच्छा सा पराठा हो गया ये देखिए मैं रोटी आपको दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट बना है बहुत ही सॉफ्ट रहता है ये दोपहर तक एकदम बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा चपाती आपका और ये रहा आम्बी का पराठा अगर आप ये अचार के साथ भी खा ले तो समझो कि ये वो रोटी सब्जी दोनों खा ली क्योंकि वो रोटी और सब्जी लगा के खा नहीं पाती है इसलिए तो उसके लिए मैंने वैसा पराठा बनाया और उसको मैं कट कर दी हूँ पीसेस में तो अभी सबके लंच बॉक्स पैक कर लेते हैं तो आम्बी को उसको स्नैक्स में हमेशा थोड़ा सा चिप्स मैं फ्रूट्स देती हूँ कभी एप्पल हो गया कभी स्ट्रॉबेरी हो गया तो इस तरह से देती हूँ और हस्बैंड को मैं दे रही हूँ सैलड और चेरी टमेटो और लिट्टी बचा था तो एक मैं लिट्टी दे, दे दी हूँ थोड़ा सा चिप्स दे दी हूँ तीन चार चिप्स जस्ट फॉर द टेस्ट के लिए और मैं तीन तीन, तीन रोटी ले लेती हूँ आज तीन, तीन तीन रोटी ले ली हूँ क्योंकि छोटा छोटा ही रोटी बनाई हूँ और अम्बी के लंच बॉक्स में उसके वाले पराठे डाल देती हूँ जिसमें मैंने इस वो क्या बोलते हैं चीज़ और आलू दे के मैं बनाया था और उसको मैं दे दी हूँ कुकमर और साथ ही साथ ही सब्जी डाल के लंच बॉक्स को आ, कर लेते हैं पैक ये भी एक काम ही होता है सुबह सुबह लंच बॉक्स रेडी करना और ये रेडी हो तो बहुत अच्छा रहता है जैसे बैग में उठाओ और डालो और अम्बिक के लिए मैंने थोड़ा सा मीठा में एक बिस्किट दे दी हूँ कभी कभी बच्चे को उनके पसंद की एक चीज़ दे दो तो लंच बॉक्स फिनिश करके आते हैं अंबिका हस्बैंड का मेरा ये अंबिका स्नैक्स या हस्बैंड का स्नैक्स मेरा स्नैक्स बैग में है यहाँ के चाय भी चढ़ा दिए और हम भी कम मिल्क सभी कोई के लंच बॉक्स रेडी हो गए हैं और जूस भी मैं निकाल ली हूँ फ्रिज से इन सबको मैं कर देती हूँ पैक फटाफट से रख देते हैं जिनके जिनके जो इसकी जगह पे है आ, क्योंकि ना सबके स्नैक्स है सबके लंच बॉक्स है क्योंकि शाम तक तो सबको भूख लग ही जाता है एक बार स्नैक्स एक बार लंच और सुबह नाश्ता करके हम लोग नहीं जाते तो भूख मुझे तो लग ही जाता मैं सुबह नहीं कर पाती हूँ मुझे अच्छा भी नहीं लगता तो मैं अपने लिए फ्रूट्स लेती हूँ हस्बैंड भी फ्रूट्स लेते हैं शाम के स्नैक्स के लिए और आम के लिए फ्रूट्स देती हूँ और एक थोड़ा सा चिप्स दे देती हूँ बच्चे को उनके पसंद के भी चीज़ देना पड़ता है कभी कभी तो ये हो गया सबको का लंच रेडी इस तरह से बस सबके एक एक बॉक्स उठा के सबके बैग में रखने हैं और मैं चलिए गई थी शावर लेने और आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए थोड़ा सा मेरे पास पाँच दस मिनट का टाइम बचा था मैं बोली जल्दी से पूजा कर लेते हैं भगवान को अगरबत्ती दिखा देते हैं जल दे देते हैं तुलसी माता को तो मैं जल्दी जल्दी से पूजा कर ली जब तक हस्बैंड शावर ले रहे थे दो मेरा पूजा हो गया पूजा होने के बाद मैं जल्दी से अम्बी को पहले उठा दी थी जब साब रेडी हो थी ये रेडी होके आ गई है बस ये ब्रेकफास्ट कर रही है और मैं अभी क्या करती हूँ इसका जो लंच बॉक्स है इसके लंच बैग में रख देते हैं और इसको मैं कर देती हूँ इसके वाले बैग को रेडी क्योंकि जैसा कि कई बार ही इस बार किया था नहीं अपना वाटर बॉटल भूल गई थी और वाटर बॉटल हम लोग जब देने गए ना स्कूल में तो वो लोग लिए नहीं बोले क्या कि हम लोग वाटर बॉटल नहीं लेंगे मेटल का है और ऑबियस भी है पता नहीं बाहर से और इस्कूल की सेफ्टी के लिए वो लोग नहीं लेते हैं तो इसलिए बच्चे के साथ जो सामान है वो आप भेजो कुछ भूलो नहीं ऐसा वो लोग बोलते हैं आ, तो फिर अभी हम, मैं कोशिश करती हूँ आम का कोई सामान नहीं भूलूँ क्योंकि अगर मैं भूल गई तो मैं इसको दे भी नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं कॉलेज में रहती हूँ और मैं अपना भी लंच बैग में अपना लंच बॉक्स रख ली हूँ जूस रख ली हूँ और हस्बैंड का मैं यहाँ पर रख दी हूँ ये चॉपिंग वाले बोर्ड पे वो आएंगे तो वो अपना अपने अपने से खुद से रख लेते हैं बस आम का बैग रेडी हो गया है और चाय भी मैं बन गया था चाय छान ली हूँ और हस्बैंड के लिए चढ़ा दी हूँ यहाँ पे कॉफ़ी बना रही हूँ उनके लिए क्योंकि कॉफ़ी भी बना के लेके जाते हैं उनको कॉफ़ी ज़्यादा वो पीते नहीं है बस उनके मीटिंग के टाइम में उनको थोड़ी सी कॉफ़ी चाहिए होती है और वो स्टारबक्स का ख़रीदते हैं थोड़ा सा तीन चार सिप लेते हैं और उसके बाद वो वेस्ट होता है तो क्यों तीन चार डॉलर वेस्ट करना अगर आपको थोड़ा सा ही कॉफ़ी चाहिए तो मैं बोल दी मैं घर से बना के दूँगी घर वाला ही कॉफ़ी आप पिया करो आ, तो उनके लिए मैं कॉफ़ी बना रही हूँ और अम भी को मैं बोली कि माइक्रोवेव के आगे उसको खड़ी कर दी थी कि देखते रहना जब वो ना क्रीम जो ना दस मिनट सेकेंड के लिए गर्म हो जाए फिर उसके बाद ना मैं उसको तुम खोल देना तो वही वो खोल के मेरा हेल्प कर दी थोड़ा सा तो अभी उनका भी कॉफ़ी रेडी हो गया है उनका ब्रेकफास्ट ये सब सब उनके ब्रेकफास्ट स्टेशन पर रखते हैं और चलती हूँ मैं सबसे पहले आम को ड्रॉप कर देती हूँ स्कूल क्योंकि हस्बैंड को अभी टाइम लगेगा आ, दस पंद्रह मिनट तब तक मैं आम को स्कूल से ड्रॉप करके आ जाऊँगी और मैं अपना भी बैग ले लेती हूँ और चलते हैं जल्दी से हम को स्कूल ड्रॉप कर देते हैं अभी भी कुछ स्कूल ड्रॉप कर दिए हैं और अभी चल रहे मंडे को इतनी ज्यादा ट्रैफिक होती है ना अर्ली मॉर्निंग में उसको स्कूल ड्रॉप करने के बाद घर जा रहे हैं फिर हस्बैंड और हम दोनों साथ निकलेंगे ऑफिस के लिए अब बहुत तेज धूप भी हो गया है आज तो चलिए चलते हैं घर और ऑलरेडी नाइन हो गया है अभी हस्बैंड को ऑफिस ड्रॉप किया अभी चल आम भी को स्कूल ड्रॉप की हस्बैंड को ऑफिस ड्रॉप की और मैं ड्राइव करके आ गई हूँ ट्रेन स्टेशन और अभी मुझे लेना है ट्रेन तो चलते हैं उस तरफ ट्रेन लेने के लिए पार करते हैं रोड उस तरफ जाने के लिए यहाँ पे वॉक साइन है इसको दबाओ अब फिर वो और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक वाला सिग्नल है दोनों तरफ से फुल ट्रैफिक है बट अभी कुछ नहीं आ रहा जा सकते हैं ओके okay, तो मैं आ गई हूँ अभी ट्रेन स्टेशन पे यहाँ पे मैं ट्रेन का वेट करूँगी ट्रेन आ गया है और आज मुझे ज़्यादा ट्रेन का वेट नहीं करना पड़ा ऑन टाइम थी मैं तो ट्रेन लेते हैं और निकलते हैं कॉलेज के लिए क्योंकि यहाँ से मुझे ट्रेन में जस्ट ज़्यादा राइड नहीं करना है क्योंकि आज मैं तो आज कल मैं ऑलमोस्ट फोटी फाइव मिनट ड्राइव करती हूँ और फिफ्टीन मिनट ट्रेन में राइड करती हूँ यहाँ से मुझे फ़िफ्टीन मिनट वॉकिंग करना होता है क्लास के लिए तो क्लास अभी जा रहे हैं और क्लास ख़त्म होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ और अभी मैं जा रही हूँ आई बिल्डिंग जहाँ पर मुझे अपने प्रोफेसर से मिलना है और उनसे मुझे लेना है डिवाइस और तब तक वो नहीं आए थे अपने ऑफिस मैं, मुझे बहुत ही तेज़ भूख लग गया था तो मैं अपना खाना खा ली और खाना खाने के बाद मैं आ गई अपने प्रोफेसर से मिलने के लिए और उनसे मुझे यही डिवाइस कलेक्ट करना था ये डिवाइस कलेक्ट किया मैंने एक और क्लास ख़त्म की और उसके बाद मैं आ गई हूँ वापस से ट्रेन लेके अपने कार के पास और निकलते हैं घर के लिए और क्योंकि अभी रास्ते में भी यहाँ से शाम की ट्रैफिक होती है अब स्कूल आवर है बच्चों को ड्रॉप करने का शाम के समय तो जब भी स्कूल आवर होता है तो यहाँ पे बस बस जब वो उनका लाइट ब्लिंक होता है ना दोनों तरफ की ट्रैफिक रुक जाती है कोई भी दो कोई भी नहीं जा सकता अगर कोई भी जाएगा तो उनको टिकट लगेगा तो इसीलिए दोनों तरफ़ की ट्रैफिक रुक गई है ऑल दो वो उस लेन में है ये लेन के लिए लोग जा सकते हैं बट इधर की भी ट्रैफिक रुकी हुई है ये बहुत अच्छा है सेफ्टी बच्चों के लिए बच्चे अभी उतरेंगे उनके लिए मैं यहाँ अम्बी के स्कूल में आधा घंटा से बैठी हूँ और इतना दिमाग में नहीं है कि आज उसका योगा क्लास है और फाइव थर्टी को पिक करना है और अभी टाइम ऑलमोस्ट हो गया है फोर फोर फिफ्टीन और अम्बी को आज लेना भी नहीं है मतलब इतना मैं दिमाग मतलब कभी कभी काम नहीं करता अभी मैं यहाँ धूप में बैठी हूँ गर्मी लग रहा है ऊपर से मैं क्यों बैठी हूँ पता नहीं अचानक से याद आया अरे रही उसका तो योगा क्लास है फाइव थर्टी पिक करना है अभी मैं इस लाइन में बहुत बड़े क्यू में हूँ अभी कैसे निक... मेरे आगे भी कार है इस तरह से कारपुल का बहुत लाइन रहता है हाई रोनो अभी इसके बीच में से मुझे निकलना है और निकल के घर जाना है तो पुल से मैं निकल गई थी बीच में से और निकल के मैं घर चली गई घर में थोड़ा सा रिलैक्स हुई बहुत ही देर उसके बाद में फिर अम्बी को स्कूल से लेके आ गई थी वो भी रिलैक्स की और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अम्बी को पियानो क्लास क्लिक के लिए क्योंकि छः बजे उसका पियानो होता है तो उसको पियानो क्लास लेके जा रही हूँ और... But by that time, I'd be—I wouldn't be sleepy. No, you will be. That's fine. no, but I never get sleepy. Like for some reason, every time I get sleepy and I lie down on bed, I don't feel sleepy. How about your piano class? Good. It was good. Yeah. Let's go home, okay? Yeah. पियानो क्लास के बाद हम भी और मैं जा रही हूँ घर और हस्बैंड भी आने ही वाले होंगे ऑफिस से तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो so मच फॉर वॉचिंग मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ तिल डेन बाय एंड टेक केयर